मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर इस वर्ष विद्यार्थियों को एक महीना कम तैयारी करने के लिए मिल रहा है। इसलिए अब बुरहानपुर जिले में एक्सपर्ट भी अपनी ओर से परीक्षा पास करने के लिए विद्यार्थियों को टिप्स दे रहे हैं। बुरहानपुर के संजय नगर क्षेत्र में रहने वाले शिक्षक राजेंद्र गौर का कहना है कि यदि कक्षा 10वीं में आपको टॉप करना है तो आप सबसे पहले गणित के फार्मूले तैयार करें, इसके बाद परीक्षा बोध और परीक्षा अध्ययन छुड़ाकर देखें। बार बार प्रैक्टिस करने से आपको सफलता मिलेगी। जब लोकल 18 की टीम ने गौर क्लास का संचालन करने वाले राजेंद्र गौर से माध्यमिक शिक्षा मंडल कक्षा 10वीं की परीक्षा को लेकर गणित विषय पर बात की तो उनका कहना है कि गणित में यदि विद्यार्थियों को टॉप करना है तो सबसे पहले गणित के फार्मूले की प्रैक्टिस करना चाहिए। यदि यह प्रैक्टिस विद्यार्थी करता है तो उसके आधार पर वे तुरंत ही सवाल हल कर सकता है, जिससे उन्हें अच्छे नंबर भी मिलेंगे तो परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोध भी हल करें। माध्यमिक शिक्षा मंडल कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा के तहत 13 फरवरी को गणित का पर्चा रहेगा, जिसको लेकर अब विद्यार्थी भी तैयारी में जुट गए हैं। इस बार विद्यार्थी भी टॉप करने के लिए अपने अपने विषयों के शिक्षकों से सुझाव ले रहे हैं। शिक्षक भी उन्हें निःशुल्क सुझाव दे रहे हैं ताकि उनका रिजल्ट सुधर सके। शुरू होने वाली है और यदि गणित विषय में किसी को तैयारी करना है तो क्या टिप्स रहेगी उसको? मैं तो बच्चों से निवेदन ये करूंगा कि ना 35 सालों से हम लोगों का अनुभव है, अधिकतर क्या होता है पहले बच्चों को पूरे फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लें, जिस चैप्टर की तैयारी करना हो उसके बारे में ना उन बुक में सब कुछ दिया रहता है अच्छे से पढ़ के, और परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोर्ड के जो आगे सेट दिए जाते हैं उन सेटों को अच्छे नंबर से मतलब थोड़ा उनको सेटों को और वही बार बार प्रैक्टिस करें, ज़्यादा फार्मूले की प्रैक्टिस करें और जो क्वेश्चन पढ़ के लिखने का ढंग है वो ढंग से भी लिख दिया कर तो बच्चा अच्छे नंबर से पास हो सकता है। गणित में आप मास्टर कहलाते हो, आप गणित के लिए क्या कहना चाहोगे? गणित के लिए क्या कहना चाहूँगा मैं, बस ये कहूँगा भाई कि भाई बच्चा का गणित अच्छी तरह से बेसिक क्लियर करना चाहे, बेसिक क्लियर हो बच्चों का अगर तो सब कुछ ना मैथ्स को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, 1 घंटा आधा घंटा बहुत हो जाता है पढ़ने के बच्चों के हिसाब से, सिर्फ बेस क्लियर होना चाहिए बच्चों को, फार्मूले अच्छे से पढ़े और क्वेश्चन का जो पढ़ के ढंग से लिखने का ढंग होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए बच्चों का। किस समय में पढ़ना चाहिए आपको? मैथ्स पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है, मैथ्स के लिए तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको है ना मतलब सुबह ही पढ़े या रात में पढ़े, बस जब भी है ना अच्छा मनोरंजन से खुशी से जब भी समय मिले अपना थोड़ा जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसमें बोर हो रहा हो अपन तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अपना मैथ्स की तैयारी करना चाहिए। 10वीं के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी? हाँ मिल जाएगी। क्या नाम आपका? राजेंद्र कुमार गौर।